नमस्कार दोस्तों। तो हम सब जैसे जानते हैं, इस समय वायरल इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसके कॉमन लक्षण में बुखार आना, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होना, जिसमें नाक बहना, खांसी बहुत आना, खांसी में बलगम आना या पसलियां दर्द करना, कुछ लोगों को उल्टी उबकाई के लक्षण भी इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें होम्योपैथी बहुत ज्यादा कारगर है। वैसे होम्योपैथिक दवा हमको सही लक्षणों के आधार पर किसी सही चिकित्सक की सहायता से लेना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन के तौर पे इसमें इन्फ्लुएंजिनम 200 नाम की दवा का बहुत अच्छा रोल है। तो प्रिवेंटिव के तौर पे आप ले सकते हैं। अगर लक्षण आप लोगों को प्रकट हो जाए तो वो लक्षण किसी सही डॉक्टर को बता करके, दिखा करके, तभी सही दवा का प्रयोग करें। इस इन्फ्लुएंजिनम 200 को लेने का तरीका है, सही तो ये है कि इसको गोलियों में लिया जाए, यानी ग्लोब्यूल्स में लिया जाए। तो 4 गोली सुबह, 4 गोली आप शाम को खा लें, इस तरीके से 3 दिन तक लें, फिर बंद कर दें। अगर कोई दूसरे लक्षण आ रहे हो तो किसी सही डॉक्टर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।